भारत में 5 दिनों बाद 40,000 से कम कोरोना संक्रमण के सामने मामले आए हैं। मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 30,941 नए कोरोना केस आए हैं और 350 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 24 घंटे में 36,275 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 5,684 एक्टिव केस कम हो गए हैं। देश में लगातार 5 दिन में 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज हुए थे। बुधवार को 46,164, गुरुवार को 44,658, शुक्रवार को 46,759, शनिवार को 45,083 और सोमवार को 42,909 कोरोना मामले सामने आए थे। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,27,68,000 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 4,38,560 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात है कि अब तक 3,19,59,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। कुल 3,70,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना के कुल मामले 3,27,68,880, कुल डिस्चार्ज 3,19,59,680, कुल एक्टिव केस 3,70,640, कुल मौतें 4,36,560, कुल टीकाकरण 64,05,28,000 डोज दी गई हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।